ऑपरेटर्स वो सिंबल्स होते हैं जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑपरेंड पे, यानी यहां पे देखेंगे मैं जहां कर्सर होवर कर रहा हूं, ए इक्वल्स टू 20, यहां पे ए और 20 दोनों के दोनों क्या हैं, तो वो ऑपरेंड हैं और बीच में जो इक्वल लगा है वो ऑपरेटर है। ऐसे यहां पे मॉडुलस देखेंगे तो मॉडुलस एक ऑपरेटर है और ए और बी क्या है, ऑपरेंड है। तो ऑपरेटर यानी कि सिंबल्स जो परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन किस पे, ऑपरेंड पे। तो ऑपरेटर जो है पाइथन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर होते हैं, जिनमें अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपेरिजन, लॉजिकल, आइडेंटिटी, मेंबरशिप और बिटवाइज ऑपरेटर, इनको हम देखेंगे बारी बारी से। आज का जो टर्म है वो है ऑपरेटर में सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर कौन सा, तो यहां पे एक्सपोनेंट ऑपरेटर और फ्लोर डिवीजन यानी इंटीग्रल डिवीजन समझ लीजिए, ऐसा ऑपरेटर। तो हम इनको देखने वाले हैं बारी बारी से। फिलहाल मैं आपको समझा दूं, यहां पे ऑपरेटर में हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस, यानी यहां तक जो है ना ये सब मैथमेटिकल ऑपरेटर है। मॉडुलस के बाद से ये डिफरेंट वर्क करते हैं पाइथन में। इन डिफरेंट वर्क को हम प्रोग्रामिंग से समझते हैं। मैं यहां पाइथन को खोलता हूं, हम पाइथन शेल पे काम करेंगे। तो पाइथन शेल खोलने के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां पे पाई, ये पाइथन आपका खुल के आ गया है। अब क्या करना है आपको, यहां पे एक एक ऑपरेटर्स को बार बार इंप्लीमेंट करके हम देखेंगे। तो यहां पे मैं दो वेरिएबल लेता हूं, ए कॉमा बी इक्वल्स टू 20.2, यानी कि ए में चला गया 20 और बी में चला गया है यहां पे ए कॉमा बी इक्वल्स टू 20.2, और यहां पे ए में चला गया है 20 और बी में चला गया है 2। अब क्या करना है, तो ए की वैल्यू क्या है इस समय, तो 20 है, और बी की वैल्यू कितनी है, तो 2 है। अब मैं इंप्लीमेंट करने वाला हूं ए प्लस बी, ये अर्थमेटिकल एडिशनल ऑपरेटर है जो दो नंबर को जोड़ देता है। ऐसे ही ए माइनस बी करेंगे हम, ए माइनस बी, तो यहां पे आपको ये दो नंबर डिक्रीज होता हुआ मिलेगा, यानी कि 20 में से 2 डिक्रीज हो गया। ऐसे ही अगर हम ए मल्टीप्लाइड बी करेंगे, ए मल्टीप्लाइड बी करेंगे, तो यहां पे ये मल्टीप्लिकेशन मिलेगा, ए डिवाइड बी कर देंगे तो ये डिवीजन मिलेगा। लेकिन अगर ए मॉड बी करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए यहां पे थोड़ा सा मैं यहां पे आपको फ्लोर डिवीजन बताऊं। फ्लोर डिवीजन क्या होता है, तो नीचे यहां पे आएंगे तो यहां पे ये जो डबल स्लैश का सिंबल है ये फ्लोर डिवीजन है। फ्लोर डिवीजन करता क्या है, ए बाई बी हमने किया है तो आंसर आया 10.0। मैं चाहता हूं फ्रैक्शनल पार्ट यानी दशमलव वाले पार्ट को रिमूव कर देना, ट्रंक कर देना, तो मैं क्या करूंगा, ए डबल स्लैश बी लगा दूंगा, यानी फ्लोर डिवीजन लगा दूंगा। आप देखेंगे दशमलव, यानी इसमें जो है दशमलव आ रहा था, अब यहां पे दशमलव नहीं आ रहा। तो फ्लोर डिवीजन का मतलब ये है कि आप जो है यहां पे अगर डिवाइड करते हैं तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट आता है और यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आता। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन में हम देखेंगे, तो ए मल्टीप्लीकेशन बी यहां पर लिखा हुआ, ए मल्टीप्लाइड बाई बी यानी ए स्टिस्क बी, यहां पर 20 into 2 कितना हो जा रहा है, 40 हो जा रहा है। यही मैं अगर 2 टाइम लगा देता हूं तो वो उसका पावर कंसीडर करेगा, ए का पावर बी, यहां पे देखेंगे तो 400 आ जा रहा है। तो ये है आपका एक्सपोनेंट, यानी कि ये पावर बताता है। अगला एक ऑपरेटर मैं बताऊं तो ये है परसेंटेज का सिंबल, रिमाइंडर। रिमाइंडर के लिए मैं यहां पे करूंगा ए बाय ए मॉड, इसको मॉडुलस भी बोलते हैं, ए मॉड बी। और यहां पे आप देखेंगे तो अगर ए को यानी 20 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही बचेगा और ये आंसर 0 में आ रहा है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको इन ऑपरेटर्स यानी ये ऑपरेटर और ये ऑपरेटर, इन ऑपरेटर्स को देखना। अगले प्रोग्राम में बने रहे मेरे साथ, मैं प्रोग्राम बताने वाला हूं इन्हीं ऑपरेटर्स पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। बाय बाय।